1990s के ज़माने में ना तो कोई अच्छे कैमरास थे और ना ही कोई अच्छा सेटअप था जिस पर 2 मिनट के एड्स को शूट किया जा सके। पर उस वक्त भी लोगों के पास अलग तरह का जज्बा और जुनून था। उस वक्त किसी भी गाड़ी के मालिक को समाज में विशेष दृष्टिकोण से देखा जाता था। आज के जैसे लाखों यूनिट्स में गाड़ियाँ ना तो बनाई जाती और ना ही बेची जाती। आजकल तो किसी भी गाड़ी की सेल्स फिगर 1000 से 2000 से ऊपर आसानी से निकल जाती है। पर इसी इंडियन ऑटोमोबाइल को कैप्चर करने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़िया कार एडवर्टाइजमेंट निकाली जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया था। इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी बनाया गया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम 1990 से लेकर साल 2000 के जमाने में कार एंड बाइक एड्स बनाई गई थी वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत में बहुत ज़्यादा फैंसी और हाईटेक मोटरबाइक्स और स्कूटर्स नहीं थी तब ज़्यादातर आम आदमी काइनेटिक्स लूना TVS XL को इस्तेमाल करते थे। TVS चैंप इस मोपेड ने बहुत से लोगों को कम कीमत में टू व्हीलर का एहसास दिलाया था। ये है मिस्टर राम मुरारी, अफसर हैं ये एक सरकारी। देर देर तक काम ये करते, फिर घर जाने से थे डरते। उनको सूझा एक उपाय, अगले दिन एक लूना लाए। चल मेरी लूना। लूना करती पक्का वादा, खर्चा कम मजबूती ज्यादा। अब काम भी है पूरा कर पाते, घर में ज्यादा वक्त बिताते। सुख पाना है तुमको दूना, शान से बोलो चल मेरी लूना। सफलता की सवारी लूना। साल 2002 में फिएट अपने पीक पोजीशन पर था। उस वक्त फिएट की गाड़ियों की सेल्स फिगर बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसमें ही क्रिकेट लवर्स के लिए फिएट मोटर्स ने एक लिमिटेड एडिशन वाली फिएट पैलियो लॉन्च करी थी। फिएट पैलियो, इस कार को बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर जो लोग परफॉर्मेंस इंथुजियास्ट हैं वो इस गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। पैलियो को फिएट द्वारा सितंबर 2001 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय बाजार में सफलता हासिल करने का फिएट का तीसरा प्रयास था। उनकी पिछली दो कारें सिएना और यूनो ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। मार्च 2002 में फिएट ने गाड़ी की लिमिटेड एडिशन निकाली थी। इस लिमिटेड एडिशन के ब्रांड एम्बेसिडर सचिन तेंदुलकर जी थे। मास्टर ब्लास्टर का ऑटोग्राफ इस गाड़ी पर था। इस लिमिटेड एडिशन का नाम फिएट पैलियो S10 रखा गया था। उस वक्त लोग मारुति की गाड़ियों को लेना प्रेफर करते थे, इसलिए फिएट की ये पैलियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। पर यह गाड़ी कार इंथुजियास्ट के बीच आज भी फेमस है क्योंकि गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.6 लीटर पेट्रोल और 1.9 लीटर पेट्रोल ऑफर किया जाता था, जो कि ये इंजिन उस वक्त के हिसाब से बहुत ही पावरफुल इंजिन थे। अरे भाई साहब, ये गंगापुर है। अंकल यहाँ फोन है क्या? फोन समुराई यानी वॉरियर ने भारत में उस वक्त बाइक्स की लंबी सीरीज लॉन्च करी थी। उसमें से ही समुराई एक गाड़ी थी। बाइक पावरफुल, माइलेज स्पीड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। गाड़ी का राउंड सर्कुलर हेडलैम्प इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। बाइक भारत में 1994 को लॉन्च हुई थी। इस बाइक ने कई सारे युवाओं की कॉलेज लाइफ मजेदार बनाई है। बहुत सी यादें इस बाइक ने लोगों को बना के दी। आज भी कुछ समुराई बाइक्स रास्तों पर नजर आती है, पर उस वक्त ये बाइक नो प्रॉब्लम बाइक थी। वाओ, सुजुकी समुराई, यो बाइक नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट द पावर पिकअप? नो प्रॉब्लम। एंड माइलेज गुड? नो प्रॉब्लम। Can I take a small test ride? Yeah? No problem. Hey, thanks. Huh? Yeah, what? Stop! My bike!
ओपेल एक ऐसा कार ब्रांड जो 1996 में बहुत सी उम्मीदों के साथ भारत में आया था। ओपेल जनरल मोटर्स का ही एक ब्रांड था, जैसे कि शेवरुलेट था। ओपेल इस ब्रांड ने हर एक सेगमेंट में अपनी कार लॉन्च करके सफलता पाने की कोशिश की। ओपेल ने उस वक्त कोर्सेरा सेडान, कोर्सेरा सेल, कोर्सेरा स्विंग, अस्ट्रा जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया था। The difference is German engineering. मारुति सुजुकी इको एक ऐसा नाम जो हमेशा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में रहा है। इतिहास उस समय का है जब पॉपुलर ओमनी को लॉन्च किया गया था और अब मारुति वाले भारत में प्रीमियम एमपीओ को लॉन्च करने में लगे हुए थे, वो थी मारुति वर्सा। पर गाड़ी उस वक्त ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं खींच सकी, इसलिए मारुति ने वर्सा को डिसकंटिन्यू करके इको इस वैन को लॉन्च किया था, जो कि ये वैन कम एमपीवी वर्षा पर आधारित थी। सब सो रहे हैं। हाँ दादी माँ, हम सब सो रहे हैं। मारुति सुजुकी वर्षा, एक गाड़ी में साथ साथ चलने का मजा कुछ और ही है। टाटा मोटर्स की एड्स उस वक्त एक से बढ़कर एक हुआ करती थी, जिसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती थी। ऊपर से टाटा मोटर्स के कार एड्स का म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता था, जिसकी वजह से लोग इसे आखिर तक देखना पसंद करते थे। शान ईमानदारी की चेहरे पे सजाते हैं, सीधी रख रीढ़ और भी ऊंचे हो जाते हैं, आसमानों को छूने का हौसला है फिर भी पांव जमीन पर टिकाते हैं। अनजान नहीं है दुनियादारी से फिर भी दिल की सुनते सुनाते हैं। लोग जो असूलों को सर पर और जज्बातों को अपने दिल में रखते हैं। जिंदगी की राहों में जिम्मेदारियां तो आती हैं, बस कुछ ही लोग उन्हें निभा जाते हैं, कुछ लोग सूमो चलाते हैं। सूमो विक्टा, आपकी पहचान। ट्रैक्स फोर्स मोटर्स के मल्टी यूटिलिटी व्हीकल सीरीज की पहली गाड़ी, जिसे बजाज और फोर्स ने बनाया था, इसलिए इस गाड़ी का नाम उस वक्त बजाज टेम्पो ट्रैक से नाम रखा गया था। गाड़ी सिंपल और ड्यूरेबल थी, जो भारतीय ग्रामीण इलाकों में अभी भी पाई जाती है। 1990s में फोर व्हील ड्राइव टेम्पो ट्रैक्स गुरखा को लॉन्च किया गया था, जिसे स्पेशली मिलिट्री यूसेजेस के लिए बनाया गया था। स्कोडा ऑक्टाविया। स्कोडा की तरफ से भारतीय बाजार में स्कोडा की पहली कार, जो भारत में लॉन्च होते से ही सक्सेसफुल हो गई थी।
लोग उस वक्त इस गाड़ी के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि स्कोडा ने भी इस गाड़ी में बहुत कुछ ऑफर किया था। गाड़ी के लॉन्च के वक्त गाड़ी में पावर एडजस्टेबल ओवर वीएम्स, एबीएस, पावर विंडोज, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, पावर स्टीयरिंग व्हील, एसी जैसे फीचर्स मिलते थे, जिसने इस गाड़ी को बहुत ही सफलता हासिल करके दी थी। एक साल के अंदर इस गाड़ी की उस वक्त 44,000 यूनिट्स बेची गई थी। अल्टो, इस गाड़ी के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ बहुत पहले से ही जानते हैं, पर गाड़ी 27 सितंबर 2000 को लॉन्च हुई थी और तब उस वक्त गाड़ी की डिमांड ना के बराबर थी। ये कोई भी नहीं जानता कि उस वक्त गाड़ी की डिमांड बहुत ही कम थी, पर मारुति 800 के डिसकंटिन्यूएशन के बाद अल्टो 800 फेमस हो गई थी। चाय, चाय। Let's go. बूंदों में जाने क्या लग है, बूंदों में जाने क्या नया है, बूंदों में जाने क्या लग है, बूंदों में जाने क्या नया है, इठलाती पल खाती लहरा मन पिघलाती बूंदे। Your chai. बूंदों में जाने क्या The new alter. अलग है। नई आइकॉन सर। अच्छा बैठिए। नए कलर्स, नई सीट्स और ट्यूबलेस टायर्स भी। ग्रेट पिकअप है। फोर्ड आइकॉन है सर। सीडी प्लेयर, इंटेलिजेंट वाइपर्स सर, पावर विंडोज। अच्छा ये आइकॉन है कितने की सर? सिर्फ सर क्या हो? नई फोर्ड आइकॉन, दाम ऐसा कि दिल जीत ले। जीतो जोश से। तो दोस्तों यही थी वो कुछ इंटरेस्टिंग कार एड्स। आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।